5 things. अगर आप ये 5 things अच्छे से फॉलो करते हो फॉर योर आईसीएसई 2021 बोर्ड एग्जाम, देन डेफिनेटली आपको मैथ्स में 95+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जितने भी आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट अस बिगिन। लेट मी टेल यू दैट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम्स है और साथ ही साथ अभी लॉकडाउन के टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका फिजिकल क्लासेस स्कूल्स में स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। यानी कि जितना भी 10 subjects है आपके पास, टोटल 10 different subjects है, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स की बात करो, कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास भी 8 different subjects है दैट यू हैव टू प्रिपेयर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम ओनली ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा, यू टोटली हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ रहे थे कि स्कूल्स रीओपनिंग को लेकर क्या न्यूज है, हमारा स्कूल्स फिजिकली कब से रीओपन होने वाला है। सो लेट मी टेल यू दैट देर आर मेनी स्पेक्यूलेशंस रिगार्डिंग द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स। तो रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स को लेकर कोई बोलेगा कि सितंबर 1 से खुल सकता है, एंड सम विल ऑल्सो टेल यू दैट दिसंबर से पहले स्कूल्स नहीं खुलेगा। बट लेट मी टेल यू दैट दीज आर ऑल रूमर्स एंड स्पेक्यूलेशंस, लेकिन जो कि एक्चुअल न्यूज है अभी तो कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स को लेकर कि स्कूल्स आपका कब से खुलेगा, एंड टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो आप स्कूल्स का रीओपनिंग होने का वेट मत करो। सो स्कूल्स रीओपनिंग को लेकर आप वेट मत करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर एट होम। 10 different subjects है आपके पास, आपका बोर्ड एग्जाम्स है, साथ ही साथ स्कूल्स में फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं हुआ है, एंड ऑब्वियस सा बात है कि स्कूल्स में फिजिकल क्लासेस स्टार्ट भी होगा उसके बाद आपको पता होगा कि आपको प्रोजेक्ट सब करना पड़ता है, तो वो सब में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। तो अभी जो टाइम मिल रहा है आपको दैट इज वेरी प्रीशियस, सो यू विल हैव टू यूटिलाइज इट, एंड सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा एट होम। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 important things रिगार्डिंग योर मैथमेटिक्स। तो मैथ्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले, कैसे आपको पूरा प्रिपरेशन करना है तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले। सो लेट अस बिगिन। बिफोर वी स्टार्ट अ क्विक रिकैप रिगार्डिंग द सिलेबस, क्योंकि हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या क्या सिलेबस में है इस बार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस रिड्यूस हो गया 2021 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है सारे सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर मैथ्स में क्या क्या चीज आपको नहीं करना है लास्ट ईयर जो था और इस बार जो रिमूव हो चुका है, कि इस बार के स्टूडेंट्स को यू डोंट हैव टू प्रिपेयर शेयर्स एंड डिविडेंड्स, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस दैट चैप्टर। नाउ एपी एंड जीपी में से एपी का सिलेबस इस बार में है, लेकिन जो कि जीपी है, जीपी यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस क्योंकि जीपी रिमूव हो चुका है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिगार्डिंग द सर्कल्स चैप्टर, तो सर्कल्स में से आपका कुछ कुछ टैंजेंट का लास्ट वाला पार्ट था, आप सिलेबस में एक बार चेक कर लेना, तो उसका भी कुछ पार्ट रिमूव हो चुका है वहां पर। और जो कि लोकाई चैप्टर है दैट हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड। सो दिस इज द लेटेस्ट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ओनली यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। नाउ मैथ्स में जो है फर्स्टली बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन डेली करो या फिर ना करो, मैथ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली 1 hour एटलीस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नाउ बेसिकली 2 hours पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर टाइम का आपको जैसे कि पता है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना पड़ता है, ऑनलाइन क्लासेस रहता है, और उसके बाद आपका 10 different subjects आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा सब्जेक्ट सब कुछ एक साथ नहीं हो पाएगा। सो एटलीस्ट 1 hour आपको डेली मैथ्स प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स का सिलेबस वास्ट है। ऑल्दो कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि टोटली पूरा बुक एलिमिनेट हो चुका है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में जितना भी चैप्टर्स है आपको सारे चैप्टर्स का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, सब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस मैथ्स एवरी डे फॉर एटलीस्ट 1 hour। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग द सिलेबस, तो जो कि सिलेबस है मैथ्स का उसमें बहुत सारा चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स इजी भी है, कुछ चैप्टर्स टफ भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप जब मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारे इजी चैप्टर्स को पहले जल्दी जल्दी कंप्लीट करो, उसके बाद जितना भी टफ चैप्टर्स है उसको फिर बाद में कर सकते हो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी इजी चैप्टर्स है आपको उसको अभी कवर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से अभी कवर कर लेते हो बाद में फिर आप रिविजन करोगे सारा चीज को, एक बार फिर से प्रैक्टिस करोगे आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप टफ और लेंदी चैप्टर्स को लेकर अभी इस टाइम बैठ जाओगे तो इजी चैप्टर सब रह जाएगा और लास्ट में आपका बहुत प्रॉब्लम होगा, इजी चैप्टर्स भी ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ। तो जितना भी स्कोरिंग चैप्टर्स है आपको उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कवर करना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो जितना भी इजी चैप्टर्स है उसको आप अच्छे से कवर कर लो, सारा को प्रैक्टिस करना है एट होम। तो अगर हम कुछ इजी चैप्टर्स की बात करें तो क्या क्या इजी चैप्टर्स है, फर्स्टली आप फर्स्ट चैप्टर जीएसटी कर लेना अच्छे से। उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना, उसके बाद रिफ्लेक्शन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद लीनियर इन इक्वेशन,
उसके बाद प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारे चैप्टर्स को अभी कर लेना है क्योंकि ये इजी चैप्टर्स है और अगर आप अभी नहीं करोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको सब कुछ अच्छे से फॉर्मूलाज एंड ऑल को याद कर लेना, दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और जो कि सर्कल्स है, मेंसुरेशन चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स को आप बाद में करना। आई सजेस्ट यू कि जब तक ये चैप्टर्स आपका इजी चैप्टर्स कंप्लीट ना हो आप सर्कल्स को, मेंसुरेशन चैप्टर को स्टार्ट मत करना क्योंकि थोड़ा लेंदी भी चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर्मूलाज है बहुत सारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इजी चैप्टर्स को कवर कर लो एंड आफ्टर यू कंप्लीट ऑल दिस पर्टिकुलर चैप्टर्स जो कि मैंने इजी चैप्टर्स बताया, उसके बाद ही आप ये सब चैप्टर्स को स्टार्ट करो। सो दिस वॉज द सेकेंड थिंग। नाउ कम टू द थर्ड थिंग। तो थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट है, मैंने लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को बोला था कि आपको फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करना है। वॉट इज फॉर्मूला बुक? आपका जितना भी चैप्टर्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चैप्टर्स आप लाइन से जो जो चैप्टर्स लिस्ट ऑफ चैप्टर्स जो भी आप कंप्लीट कर रहे हो, एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तो उसका जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो पर्टिकुलर चैप्टर से जो कि एक्सरसाइज में यूज होता है, तो जब आप सॉल्व करोगे उसमें यूज होता है वो सारे फॉर्मूलाज को, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को आपको एक फॉर्मूला बुक प्रिपेयर करना है, उसमें सारा फॉर्मूलाज को नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं है कि एट वंस उस बुक में आप सारा फॉर्मूलाज को लिख दोगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करने के बाद उसका जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उस बुक में फॉर्मूला बुक आपको बनाकर उसमें सब कुछ नोट डाउन करना है ताकि एग्जाम्स में जब कोई भी एग्जाम्स हो, आपका प्री बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम्स हो या फिर आपका फाइनल एग्जाम्स हो बोर्ड एग्जाम्स, उससे पहले आप जब भी वन नाइट बिफोर यू आर प्रिपेयरिंग तो आपके पास मेक श्योर दैट आपके पास सारा फॉर्मूलाज होना इम्पॉर्टेंट है। और बुक से उस समय आप खोज नहीं सकते, मैथ्स का बुक जैसे कि आपको पता है इट इज थिक राइट, तो कहाँ कहाँ कौन सा फॉर्मूलाज है आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्मूला बुक को प्रिपेयर करना है एंड यूज दैट फॉर्मूला बुक व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। सो दिस वॉज द थर्ड थिंग विच वॉज इम्पॉर्टेंट। नाउ कम टू द फोर्थ थिंग। तो ये जो कि फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है मैथ्स को लेकर, तो फर्स्टली आपका टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट होता है मैथ्स में क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सब कुछ आता है, जितना भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहता है आपको सारा आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट 2.5 आवर्स मिलता है जो कि आपका लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन है, उसी के अंदर आपको सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। और सेक्शन ए रहता है, सेक्शन बी रहता है, 4-4 क्वेश्चन रहता है, सेक्शन ए से 4 क्वेश्चन रहता है जिसमें कि सब क्वेश्चन 4-4 रहता है, उसके बाद सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में भी आपको टोटल ऑप्शंस रहता है तो उसमें 4 क्वेश्चन को करना पड़ता है जिसमें कि पर क्वेश्चन फिर 4 सब क्वेश्चन होता है, तो बहुत लेंदी पेपर होता है एंड 2.5 आवर्स में आपको सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। कैलकुलेशन में टाइम लगता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको यू हैव टू बी फास्ट एंड विद इन द रेस्ट्रिक्टेड टाइम यू विल हैव टू कंप्लीट। तो इसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कि स्पीड है वो भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका स्पीड कितने टाइम में आप कंप्लीट कर रहे हो वो भी मैटर करेगा क्योंकि सिर्फ आपको सम्स आने से नहीं होगा, आपको उसको रेस्ट्रिक्टेड टाइम में कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट है। दिस वॉज द फोर्थ थिंग। और साथ ही साथ कितनी बार ऐसा भी होता है कि सपोज एक वन पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका 2 वेज होता है दैट यू कैन सॉल्व, तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 डिफरेंट वेज भी होता है, तो कोई भी आप वे से कर सकते हो, आंसर करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप कौन सा वे यूज कर रहे हो आंसर्स निकालने के लिए वो मैटर नहीं करता, बट योर आंसर शुड बी करेक्ट, दिस इज द मेन थिंग। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि अगर 2 डिफरेंट वेज है, सपोज ट्यूशन में कुछ और सिखाया जाता है, अगर स्कूल्स में आपको कुछ और फॉर्मूला कुछ और वे में सिखाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आंसर आए फाइनल आंसर अगर आपका करेक्ट आता है, करेक्ट स्टेप्स है, अगर आपने करेक्ट स्टेप्स यूज किया है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर सम विच यू हैव डन। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फिफ्थ चीज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी जो भी पॉइंट्स मैंने बोला सारे पॉइंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 10 इयर्स ले लेना है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक वीडियो में बताया था कि आपको कौन सा 10 इयर्स परचेज करना है। नाउ दोज हु डोंट नो, नाउ जितने लोग को पता नहीं है लेट मी टेल यू दैट 10 इयर्स एक बुक है जिसमें कि पास्ट 10 इयर्स क्वेश्चन जितने भी लास्ट 10 इयर्स में जो जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, जो जो पूछा गया है एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे दिया रहता है, उसका आंसर्स भी दिया रहता है। तो लास्ट 10 इयर्स में जो भी क्वेश्चंस आया वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपलसरी है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि डेफिनेटली मैथ्स की बात करो या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट का बात करो क्वेश्चंस रिपीट होता है। मैथ्स में तो ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली जो कि पैटर्न है वो सेम रहेगा। अगर आप बात करो हिस्ट्री एंड सिविक्स या फिर आप ज्योग्राफी का बात करो या फिर जो भी सब्जेक्ट्स है, क्वेश्चंस रिपीट होता है पास्ट 10 इयर्स बोर्ड पेपर से एंड साथ ही साथ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आपको अभी से 10 इयर्स को परचेज कर लेना है इस टाइम, ताकि आप जो भी कोई भी चैप्टर कम्प्लीट करो तो वो चैप्टर कम्प्लीट करने के बाद आपको 10 इयर्स का क्वेश्चन देखना है उस पर्टिकुलर चैप्टर से एंड आपको देखना है कि आप वो सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो सो इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम्स में भी वैसा ही टाइप का क्वेश्चन आएगा।
और अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हो सो यू विल हैव टू गिव मोर एफर्ट, और आपको अभी से 10 इयर्स फॉलो करना है। एक भी चैप्टर कंप्लीट हो उसको 10 इयर्स का क्वेश्चन देखो क्या क्या वो चैप्टर से आया, एंड आप चेक करो कि आप वो सब क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, करेक्टली आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, आपको वो सब देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 इयर्स आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आप अभी नहीं लेते हो तो बाद में लेना पड़ेगा, तो इसलिए 10 इयर्स ले लेना। और साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, तो आप वहां से जाके परचेज भी कर सकते हो 10 इयर्स फॉर योर आईसीएसई 2021 बोर्ड एग्जाम्स, और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना। सो ये 5 थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते हो सो मैथ्स में आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। So this was the video. Thank you so much for watching, and I hope that you are going to follow all these things. So this was the video. Thank you so much for watching. और इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।